रात को मेरी कज़न का मैसेज आया कि मैंने तुम्हारे ब्लॉग्स देखे और उसमें मैंने देखा कि तुम्हारी बॉडी इतनी ट्रांसफॉर्म हुई है बेबी की डिलीवरी के बाद भी इतना स्पीडली तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारा वेट इतनी तेज़ी से गिर रहा है सो so, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करूँगी जो मैंने खुद अपने ऊपर पहले अप्लाई किया और मैंने थ्री डेज के अंदर टू के प्लस वेट लूज़ किया और आप इसका एंट्रिजल्ट भी देख सकते हैं स्टार्ट में मेरा वेट था सिक्सटी एट पॉइंट फोर और इसकी हर दिन की साथ साथ अपडेशन जो है मैंने साथ साथ इस वीडियो में डाली हुई है तो आप देख सकते हैं कि रोज़ मैंने कितना कितना वेट लूज़ किया रात को मैंने सबसे पहले दो टी स्पून चिया सीड्स के नॉर्मल पानी के अंदर सॉक करके रख दी और सुबह उठते इन्हें हारमोस उसको ले लिया अब यहाँ पर मैंने स्टार्ट तो एक डाइट से किया था लेकिन क्योंकि मैं मदर फीड के ऊपर हूँ तो मैं एक डाइट मुझे ज़्यादा सूट नहीं कर रही थी मुझे बहुत वीकनेस हो रही थी तो मैंने अपनी डाइट को अपने अकॉर्डिंग खुद चेंज किया जिसको थ्रू मैंने थ्री डेज के अंदर टू के जी प्लस वेट लूज़ किया एंड ट्रस्ट नी गाइज अगर आप इसको इसी तरह इस फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट नजर आएगा सोते so, में मैंने दो अंडे लिए जिसमें एक की जर्दी मैंने ली थी बॉयल और दूसरे की वेस्ट कर दी थी और आधे घंटे के बाद मैंने एक एप्पल लिया और उसके साथ मैंने गर्म गर्म ग्रीन टी ली एप्पल आप कोशिश करें कि आप येलो वाला लें क्योंकि येलो वाला एप्ल डाइट के लिए ज़्यादा बेटर होता है दोहर में मैंने एक सूखी रोटी ली जो कि हथेली के बराबर होनी चाहिए इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और उसके साथ दाल और बहुत सारे मैंने दाल मैंने मूँगी और मसूर की इस्तेमाल की रात में गेंद से मुझे एग खाना था तो मैंने इसमें बैंगन और एक दो और सब्जियाँ डालकर इसको लाइट से ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया अब ये था सेकेंड डे उठ कर मुझे चेक करना था कि मैंने एक दिन के अंदर कितना वेट लूज़ किया एंड यू कैन सी स्टार्ट हुआ था मेरा सिक्सटी एट पॉइंट थ्री से और नेक्स्ट डे जब मैंने चेक किया तो मेरा वेट था सिक्सटी सेवन पॉइंट वन और गेंद से मैंने उठ दी रात की तरह सॉक कर दिए थे चिया सीड्स को उसको एम्प्टी स्टमक लिया उसके बाद मैंने कहा मैं ऑमलेट बनाऊँ ऑमलेट मैंने इस तरीके से बनाया आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं इसको हेल्दी करने के लिए आप इसमें बहुत सारी वेजेस का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आपका स्टमक काफ़ी देर तक फुल रहे और आपको भूख कम से कम लगे तो इसी तरह मैंने इसमें बहुत सारी वेजेस यूज़ की ऑयल बिल्कुल ना होने के बराबर होना चाहिए और जो आपने एक चम्मच डालना है ऑयल वो भी कोशिश करें कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें अब मैंने अपना खाने पीने का पीरियड रखा हुआ था दोपहर के दो से रात के दस बजे तक इसके बाद और इससे पहले मैंने कुछ नहीं खाना चाहे मुझे कुछ भी भूख लगी हो इसी तरह मैंने शाम में दोबारा से लिया वन यलो एप्पल और उसके साथ ग्रीन टी एक सालन को मैं दो दिन चलाती थी बिकॉज इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने लिए स्पेसिफिक खाना बनाएं तो मैंने अगेन से एक पाम की जितनी रोटी ली सूखी रोटी बिल्कुल होनी चाहिए और उसके साथ मैंने दाल का सालन लिया और रात में मैंने दो ब्राउन ब्रेड के पीस लिए जिसमें मैंने बॉयल एग लगाया हुआ था और उसके अंदर मैंने सेलेड रखा हुआ था और एक बीफ का पैटी था जो कि ग्रिल था बिल्कुल भी ऑयल यूज नहीं हुआ हुआ था तो इट वॉज़ ऑल अबाउट द सेकेंड डे अब वेट चेक करना हर दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज़ आपकी जो मुंह की क्रेविंग्स होती हैं वो बढ़ती जाती हैं शुगर लेवल डाउन होने की वजह से आपका बहुत दिल करता है कि आप मीठा खाएं लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आपने एक पूरे दिन इतनी मेहनत की और उसके बाद आपका वेट सिक्सटी से सिक्सटी आ गया पर डे भी मैंने उठते साथ ही चिया सीड्स को लिया एम्टी स्टमक उसके बाद मैंने एग लिए ये जो क्रश में एग्स हैं वो मेरे नहीं उजहरा के थे तो मैंने एक अंडे की जर्दी लेती थी और एक वेस्ट कर देती थी ऑमलेट में भी इसी तरह सेम था एक जर्दी

फ़ाइनल डे इसके साथ साथ मैंने अपनी डी एक कहवा रात को लाजमी पीती थी थी जिसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की हैं जिसमें मैंने फ़र्दर वेट लूज़ किया अगर आपको उसकी वीडियोज़ चाहिए तो जल्दी से जाकर मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे मांगे ताकि मैं शेयर करूँ